हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीजीपीएट 2023 के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोग का सीजीपीएट 2023 का गाइस यहाँ पे फुल कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आप लोगों को सीजीपीएट 2023 के हर एक ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू आपको नोटिफाई की जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीजीपीएट का फुल फॉर्म देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। अब गाइस, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। नेक्स्ट, ये जो है स्टेट लेवल का एग्जाम है, छत्तीसगढ़ स्टेट का एग्जाम है। यहाँ पे आपको यूजी पीजी दोनों लेवल के कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इस तरह के वेरियस कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे। अब गाइस, आप लोगों को ये एडमिशन कहाँ पे मिलेंगे? तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को जो भी कैंडिडेट, जो भी एप्लीकेंट्स यहाँ पे सीजीपीईटी 2023 का एग्जाम अगर क्लियर करके क्रैक करता है, तो गाइस उन्हें यहाँ पे जो है वेरियस कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे। लाइक मैं अगेन आपको बता दे, तो जैसे कि मैंने कहा था आपको, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जितने भी वेरियस यूनिवर्सिटीज है, लाइक आप लोगों के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गए छत्तीसगढ़ स्टेट में, तो उन स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट में जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन है, उसमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप लोग सीजीपीएट के एग्जाम के बेसिस पे ले सकते हैं। दैट मीन्स सीजीपीएट का स्कोर कार्ड आप लोगों के लिए एक टिकट है यहाँ पे। किसी भी इंस्टीट्यूशन जो कि विद इन छत्तीसगढ़ स्टेट हो, छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, आपको यहाँ पे सीजीपीएट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। तो ये तो हमने इसके हाईलाइट्स देखी, चले अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जाम डेट्स की बात करें तो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ मई में रिलीज किया जाता है। एडमिट कार्ड आपका थर्ड वीक ऑफ जून में रिलीज किया जाएगा एंड आपका एग्जाम जो है फोर्थ वीक ऑफ जून में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट्स रहते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिस्क्राइब साइज में स्कैन करके अपलोड करना है कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपलोड करना है। बस किसी भी तरह से एप्लीकेशन को जो फिल करते और सबमिट करते, तो इसी वजह से गाइस उनका एप्लीकेशन जो है रिजेक्शन भी फेस करता है कई बार। आपके साथ ये प्रॉब्लम हो, आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा फ्रॉम स्टेप वन, यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन, इवन एप्लीकेशन फी तक आपको पे करके बताई जाएगी। तो काइंडली मेक श्योर कीजिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। एप्लीकेशन फी की बात किया तो गाइस, जनरल एप्लीकेंट्स के लिए 200 रुपीज रहेगी, ओबीसी के लिए 150 एंड एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फी रहने वाली है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं, या ऑफलाइन डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी आप डायरेक्टली या चालान पेमेंट के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर गाइस इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए कंपलसरी मैंडेटरी है कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई नहीं करते तो सॉरी टू से, बट यू कांट अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप इसे सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्स की अलग एलिजिबिलिटी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंजीनियरिंग की देख लेते हैं। आप 12 पास आउट रेडी विथ मिनिमम 45% रिजर्व कास्ट से हो तो 40% मिनिमम रहेगा। 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट रहने चाहिए। अपीयरिंग इंडिकेटर तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो गाइस यहाँ पे आप लोग की एज एटलीस्ट 16 ईयर्स रहनी चाहिए, 12 पास आउट रहनी चाहिए विद मिनिमम 45% एंड अगर रिजर्व कास्ट से हो तो 40% मिनिमम रहनी चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोग का गाइस पीसीएफ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए इंटरमीडिएट 12th स्टैंडर्ड में। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न पे, क्योंकि गाइस इस एग्जाम को अगर आपको क्लियर करके क्रैक करना है तो इसका एग्जाम पैटर्न है सिलेबस, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आपको टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है सिंपली आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। पेपर की लैंग्वेज जो है इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगी। यहाँ पे 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 3 आवर्स में पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे अलॉट नहीं किया जाएगा। हर एक सही आंसर पे आपको 1 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। डेट मीन्स टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा,
फॉर 150 क्वेश्चंस, यानी कि फिजिक्स में 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स और केमिस्ट्री में अगेन 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स एंड सेम एज इट इज फॉर मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। अब गाइस सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका 11 12 का गाइस एनसीईआरटी का सिलेबस, आप उसे रेफर कर सकते हैं। जेंटो अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टडी मटेरियल की लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली अपना स्टडी मटेरियल एंड सिलेबस एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे एडमिट कार्ड की, क्योंकि गाइस आप लोग का जो एडमिट कार्ड है उसके बिना आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ऑफिशियल लिंक नहीं पता होती एडमिट कार्ड के लिए, डाउनलोड करने के लिए जो है प्रोसेस नहीं पता होता है। तो गाइस अब आपको ये प्रॉब्लम फेस होने से आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना रहेगा एंड आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सेम एज इट इज फॉर आंसर की, रिजल्ट, काउंसलिंग, सारे इवेंट आप लोगों को लाइव पहले करके बता दिए जाएंगे वीडियो में, जैसे वो इवेंट रिलीज होगा आपको उस वीडियो को केयरफुली देखना है और उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो करना है, आपका वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को सीजीपीईटी पैट 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कुछ डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।